फाइनली मेरे सब्सक्राइबर्स के कहने पर मैंने बहुत दिन बाद भले ही बोलो यार, क्योंकि मैं जानते हो दोनों चैनल हैंडल करना पड़ता है, इस वजह से यार एक एनिमे को मुझे देख के कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है और इसी वजह से इस वीडियो को बनाने में टाइम लग गया। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर के कहने पे मैंने आखिरकार देख ही लिया साइबर पंक एज रनर, और ये सीरीज जो है तुम सब ऑफिशियली जाके नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। और भाई आज मैं इसका रिव्यू करूंगा कि आखिर ये एनिमे मुझे कैसा लगा, और मुझे ये एनिमे थोड़ा अंडररेटेड टाइप का लगा बिकॉज इसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता है। पहले बात करते हैं ये सीरीज कैसा है। अगर तुम एक एक्शन फैन हो, एक्शन लवर हो, तुमको मार काट देखना पसंद है, खून खराबा पसंद है जबरदस्त एनिमेशन के साथ, और एक ऐसा सीरीज ढूंढ रहे हो जो कि सोनन ना हो, मतलब 18 प्लस हो, वायलेंस भर भर के हो, तो तुम इस सीरीज को देख सकते हो। बस तुम 18 प्लस होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे यार सीन्स है, मार काट वाले भी यार बहुत सारे सीन्स है, तो इस वजह से देखो लेकिन 18 प्लस होने के बाद ही देखना। हाँ लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के कैरेक्टर्स की, तो यार देखो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन किसी भी कैरेक्टर्स पे ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है बजाय इसके मेन कैरेक्टर के, बिकॉज ये सीरीज 10 एपिसोड के अंदर ही निपटा दिया गया। अब देखो यार मैं इस सीरीज को जब नेटफ्लिक्स में देख रहा था तो पहले तो मैं इसे जापानीज में देख रहा था जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले कि तुम कमेंट बॉक्स में ये पूछो कि क्यों समझ में नहीं आया, बताता हूँ। नेटफ्लिक्स में क्या है भाई, सबटाइटल तो दिया हुआ है, मैं भी एनिमे इंग्लिश सब में ही देखता हूँ, लेकिन रीजन क्या है यार, नेटफ्लिक्स में जिस हिसाब से सबटाइटल दिया ना, बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं जहां पर सबटाइटल यार व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, व्हाइट वाला जब भी एनिमेशन आता है भाई सबटाइटल पढ़ा ही नहीं जाता, फिर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, और उसको मुझे फिर दोबारा से इंग्लिश डब में देखना पड़ा, और इस चक्कर में मुझे बहुत बार जो है समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने आखिरकार इसको देख लिया। अब देखो जैसा कि मैंने पहले बोला, ये 10 एपिसोड के अंदर इस सीरीज को एंड कर दिया गया, और इसका सेकेंड सीजन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कुछ हुआ है समझो। जब तुम इस सीरीज को देख लोगे तुमको पता चल जाएगा, लेकिन हाँ 10 एपिसोड वर्थ इट है। प्लस जब मैं इसका एनिमेशन देख रहा था ना, तो मुझे ये बार बार मैड हाउस का याद दिला रहा था, तो मैंने सोचा कहीं इसको मैड हाउस ने तो एनिमेट नहीं किया है, लेकिन फिर जब मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसे उसी स्टूडियो ने एनिमेट किया है जिसने डार्लिंग इन द फ्रैंक सीरीज को बनाया था। तो हाँ एपिसोड 1 जो है थोड़ा सा देखने के बाद जब मुझे पता चला कि उसी स्टूडियो ने बनाया है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या इस एनिमे में भी 02 टाइप की कैरेक्टर है, क्या 02 जैसा वाइफू कैरेक्टर है, क्योंकि मैं यार डार्लिंग द फ्रैंक्स का फैन था पहले, जब मैंने नया नया एनिमे देखना स्टार्ट किया था तभी ये सीरीज आया था डार्लिंग द फ्रैंक्स, और उसमें देखने के बाद मैं 02 का फैन हो गया था। अब यहाँ पर जो है लूसी बोल के एक फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन वो 02 से उल्टी है, एकदम उल्टी। हाँ बैडस है, एक्शन तुमको भरपूर मिलेगा उसके तरफ से, प्लस उसका भी एक ड्रीम हमें दिखाया गया है। पर जैसा कि मैं कह रहा था 10 एपिसोड में इस एनिमे को खत्म करने के वजह से यार साइड कैरेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दिया गया, और अगर तुम मेरे जैसे एक पुराने एनिमे फैन हो, तुमने नया नया एनिमे देखना स्टार्ट नहीं किया, बहुत टाइम से देख रहे हो और तुमने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं, तो तुम एक बात गौर करोगे इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस ही नहीं किया गया बेवजह। यार जब भी वो लोग मरते हैं ना हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें उनका पास्ट दिखाया जा सकता था जैसा ज्यादातर एनिमे में होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा हुआ ही नहीं है, और उसी चक्कर में यार जब भी कैरेक्टर्स की डेथ होती है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के। कुछ कैरेक्टर्स के डेथ ने मुझे इम्पैक्ट किया, जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में जो डेथ होता है उसके बाद मुझे थोड़ा वो वाला सीन इमोशनल लगा था, बिकॉज जिस हिसाब से मेन कैरेक्टर का उसके साथ बॉन्ड था हमें समझ में आता है, लेकिन फिर जब आगे जा करके बाकी के कैरेक्टर्स की डेथ होती है मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। बीच में एक एपिसोड आता है जब एक कैरेक्टर का डेथ होता है, मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देने का ट्राई कर रहा हूँ, समझा करो, तो उस कैरेक्टर के लिए इमोशनल नहीं लगता, लेकिन हाँ भाई वो बंदा इज्जत कमा के मरा था, इस वजह से उसके लिए प्राउड फील होता है। और हाँ लास्ट वाला डेथ भी, लास्ट एपिसोड में जो डेथ दिखाए गए हैं वो भी इमोशनल था, तो मुझे फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और बात करूं मेन कैरेक्टर और इसके मेन फीमेल कैरेक्टर की, तो हाँ ये दोनों तुम्हारे फेवरेट होने वाले हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस एनिमे के वर्ल्ड को लेके। देखो यार ये जो एनिमे का नाम है साइबर पंक एज रनर, अगर तुम यार गेमिंग के फैन हो तो तुमको पता ही होगा साइबर पंक क्या है।
देखो साइबर पंक एक गेम था, एक्चुअली ये गेम है, और उस गेम के ऊपर इस एनिमे को बनाया गया, मतलब इसका जो एनिमे है उस वर्ल्ड पे बेस्ड है। अब उसका एनिमे अच्छा है लेकिन उसका जो गेम है ना वो एक नंबर का बर्बाद है, जिसके लिए भाई इतने साल से गेमर्स वेट कर रहे थे, लेकिन जब ये गेम निकल के आया लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन इसका एनिमे देखने में मजा आएगा, प्लस एक्शन बहुत मस्त है। अगर तुम एक एक्शन लवर हो तो जरूर देखना। और हाँ, एक कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई ये बंदा, दिमाग तो है बंदे में, मतलबी टाइप का थोड़ा बहुत है, लेकिन ये बंदे का काम जो है ना भाई, ये अपना काम के अलावा दूसरा काम क्या करता मालूम, बस यही सब करता रहता है। और बाकी चीज यार, तुमको ये कैरेक्टर जब भी आता ना मुझे फनी लगता है, और बाकी के कैरेक्टर्स ज्यादा तुमको फनी नहीं नजर आएंगे, और ये वाला जब कैरेक्टर मरता है मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, और इसी वजह से यार इसको स्पॉइलर देके भी मुझे कुछ खास नहीं फर्क पड़ा, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम आगे जब देखोगे पता चल जाएगा। हाँ, अगर तुम मेरे से रेटिंग पूछोगे इस एनिमे को लेके, तो मैं इसको दूंगा 7 out of 10, बिकॉज ये उतना वर्थ इट करती है, लेकिन अगर साइड कैरेक्टर्स पे उतना फोकस किया जाता, ध्यान दिया जाता, बैक स्टोरी बताया जाता, तो ये रेटिंग 8 तक जाता, लेकिन मैं इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना चाहता, ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन हाँ मैंने इंजॉय किया बिकॉज इसके एक्शन के वजह से, मेन फीमेल लीड के वजह से, मेन कैरेक्टर के वजह से, लास्ट एपिसोड के वजह से और फर्स्ट एपिसोड के वजह से, बस यही सब था। हाँ, और एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, एक कैरेक्टर का डेथ जो टाइम स्किप के बाद नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, भाई वो बंदा जब मरता है ना, मतलब तुम सोचो एक कैरेक्टर हमें नया नया ही इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके ठीक कुछ मिनट बाद वो कैरेक्टर मर जाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई, मतलब ना कोई बैक स्टोरी, भाई उसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, अगर मारना ही था बस ऐसा लगेगा, और इसी वजह से साइड कैरेक्टर पे ध्यान मत देना, लेकिन हाँ तुम्हें मजा आएगा, तो इस वजह से इस एनिमे को देखो। और इसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था, मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम पास ही हुआ, इस वजह से तुम भी देख सकते हो अगर तुम देखना चाहते हो तो। प्लस वीडियो पसंद आया लाइक मारो, और हाँ अगर तुम कोई एनिमे या मांगा दूसरे एनिमे सीरीज के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन वो सीरीज छोटा होना चाहिए, मांगा लंबा होगा तो चलेगा, मैं जो है स्पीड से रीड कर सकता हूँ, लेकिन एनिमे यार टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो बस इतना ही आज के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना, चैनल पर नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।